हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गए हैं, आई थिंक एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, सो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। चलिए, सीपीसी का आज हमारा फोर्थ वीडियो है, और इससे पहले हम हिस्ट्री देख चुके हैं, स्कोप देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट देख चुके हैं, ठीक है? तीन वीडियो हमारे हो चुके हैं, ये हमारा चौथा है। इसमें हम देखेंगे पांच टॉपिक, और जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीसी में काफ़ी बार इसको रिपीट किया गया है इन टॉपिकों को, जिसमें से है डिस्ट्रिक्ट, बहुत बार रिपीट है, और डिग्री होल्डर, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट और जजमेंट डिक्टर। इन्हीं पांच टॉपिक को काफ़ी बार रिपीट किया गया है, एक बार समझ लेंगे तो काफ़ी बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री से। डिग्रीदार कौन होते हैं या डिग्री होल्डर क्या है? चलिए, सीपीसी 1908 की सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन में बताया गया है, डिग्रीदार वो होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति होते हैं जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। दूसरे शब्दों में, डिग्रीदार उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसके पक्ष में या तो डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, और जिसका नाम वाद अभिलेख में है। ओके, इसको डिग्री होल्डर कहेंगे। अच्छा, एक केस है उछाव बनाम वृंदावन, AIR 1969, उड़ीसा 142। तो ये जरूरी नहीं कि जो वाद है, ठीक है, वो एक ही पक्ष का हो। डिक्रीदार, इसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष के वादों को हम बोलते हैं वादी एवं प्रतिवादी। ओके, और डिक्री में दोनों पक्ष में ये हो सकते हैं वाद, और वाद को क्या बोलेंगे? वादी एवं प्रतिवादी, ये जरूर से याद रखना, ठीक है? उदाहरण के लिए मैं ये केस मैंने जो अभी बताया है उसमें मैं बता देती हूँ। संविदा में विनिश्चित पालन के बाद में डिग्री का निष्पादन दोनों पक्ष करा सकते हैं, इसलिए दोनों ही पक्ष डिग्रीदार कहे जा सकेंगे। ये हमें किस में बताया गया था? उछाव बनाम वृंदावन, AIR 1969, उड़ीसा 142। इस केस में एक और केस मैं बता देती हूँ, राजा सो फैक्ट्री बनाम सिंधुराज, AIR 1865, SC 1949 का ये केस है। इसमें बताया गया था एक डिग्रीदार वाद का पक्षकार आवश्यक हो या आवश्यक नहीं हो। अगर डिग्री में किसी को पारित करने योग्य अधिकार दिया गया है तो वह डिग्री का निष्पादन कराने का अधिकार है, और ये किसमें बताया गया था? राजा सो फैक्ट्री बनाम संधू राज, AIR 1865, SC 1949 केस में। केस जरूर से याद रखिएगा, केस लिखने को आते हैं, और ना भी पूछा जाए तो एक दो केस जरूर लिख के आना। चलो, जा देखते हैं जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। इसमें बताया गया है सीपीसी 1908 में धारा है 2, यानी कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 4 के अनुसार जिला के आरंभिक अधिकारता वाले प्रधान सिविल न्यायालय, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है, और इसकी अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती है। एक केस इसमें बता देती हूँ, जिला में राजा सोक फैक्ट्री बनाम संधू राजा, हाँ जी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, AIR 1965, SC 14, सॉरी 1949 का ये केस है। इसमें बताया गया है बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मैसूर जिला न्यायालय छुट्टी के दौरान मैसूर उच्च न्यायालय मैसूर जिला न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करती। किस रूप में? छुट्टी के दौरान। अब देखते हैं विदेशी, यानी कि विदेशी न्यायालय, फॉरेन कोर्ट। इसमें बताया गया है दीवानी प्रक्रिया संहिता, यानी कि सीपीसी 1908 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। देखो, सेक्शन इसमें इतना सिंपल दिया गया है ना, सेक्शन 2 ही चल रहा है, सब सेक्शन चेंज होते जा रहे हैं, इसको अच्छे से याद रखना। जिसमें दो केस रिपीट हो रहे हैं,
इसलिए केस भी बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट में बताया गया है कि धारा 2 में सबसेक्शन 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से वो है यानी कि जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। प्रेवी कौशिक को पहले एक विदेशी न्यायालय नहीं था किंतु अब वह एक विदेशी न्यायालय है। बहुत छोटा सा ये है फॉरेन कोर्ट। अब देखते हैं विदेशी निर्णय यानी कि फॉरेन जजमेंट। विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय विदेशी निर्णय कहलाते हैं ऑब्वियसली। संहिता की धारा 2 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 6 के अनुसार विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। उदाहरण के लिए प्रीवी कौशल इंग्लैंड के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे वह चासरी डिवीजन हो या फिर किंग्स बैच डिवीजन तथा विदेशों में स्थापित वहां के न्यायालय के निर्णय अब संहिता के संदर्भ में विदेशी निर्णय कहलाएंगे। ओके, इसमें एक केस है अलेगेमेन बैंक नीदरलैंड NB बनाम सतीश दयालाल चौकसी AIR बॉम्बे का ये केस है 17। विदेशी निर्णय का प्रवर्तन भारतीय न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से एवं व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के भिन्न विदेशी निर्णय का प्रवर्तन भारतवर्ष में उन पर एक वाद संस्थित करके ही कराया जा सकता है। और ये डिसीजन था किसमें, अभी जो मैंने केस बताया यानी कि अलेगेमेन बैंक नीदरलैंड NB बनाम सतीश दयालाल चौकसी AIR बॉम्बे 17। लास्ट है इसका निर्णय श्रेणी यानी कि जजमेंट चैप्टर। अब इसमें बताया गया है दीवानी प्रक्रिया संहिता, स्टार्टिंग सब में कॉमन है दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC 198 की धारा वही सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अनुसार निर्णित श्रेणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है यानी कि उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। सिंपल। अब परंतु निर्णित श्रेणी के अनुमान देश यानी कि वो निर्णित श्रेणी नहीं कहा जा सकता है 1912, 13 and Case 659 DV मद्रास वाद का वह पक्षकार जिसके विरुद्ध डिक्री नहीं पारित की गई है निर्णित श्रेणी नहीं होगा, परंतु एक प्रोफॉर्म प्रतिवादी जिसके विरुद्ध विभाजन वाद में डिक्री पारित की गई है निर्णित श्रेणी होगा यानी कि जजमेंट डेप्टर होगा। ये बताया गया था हमारे उमा प्रदाश बनाम मृत्युंजय AIR 1968 कल 547 कल ये AIR के बाद है। ठीक है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड के बाद। तो नाम एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, उमा प्रसाद बनाम मृत्युंजय AIR। अच्छा मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर किसी को ना जो ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड है AIR अगर किसी को ना याद हो ना, जैसे गलत भी याद हो, छोड़ के मत आना, लिख देना, ये स्टूडेंट्स के लिए। अगर ना भी समझ में आ रहा ना, खाली मत छोड़ना कि अरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सन था, क्या था, क्या लिखूं, गलत ना हो जाए, छोड़ना मत, लिख देना। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा सेक्शन है नहीं, जितने भी सेक्शन है कॉमन सेक्शन है, सेक्शन 2 इज कॉमन। ठीक है, एक केस 3 में रिपीट हो चुका है वो भी कॉमन है, 5 इसमें संहिता के वो बताए गए हैं डिफाइन, इनको कोडों को अच्छे से याद कर लेना, 5 है, थोड़े थोड़े बताए हैं मैंने, थोड़े थोड़े ही याद कर लेना। वेल गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दिल से थैंक यू।